नमस्कार, आज मैं एवियन हिप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली एवियन हिप एक ऐसी बीमारी है जिसमें हिप जॉइंट में फीमर के हेड में ब्लड सप्लाई का सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है और फलस्वरूप हेड जो है वो खराब होने लगता है, नेक्रोटिक होने लगता है। तो इसीलिए इसका नाम है ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं जाने की वजह से होने वाली नेक्रोसिस। ये बहुत ही अनकॉमन प्रॉब्लम थी आज से 3-4 साल पहले। कोविड के पहले बहुत ज़्यादा केसेस एवियन के देखने को नहीं आते थे और मुख्य कारण उस समय स्टीरॉयड का यूज़ या अल्कोहल का यूज़ समझा जाता था। कोविड के बाद बीमारी की वजह से, इवन कोविड बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज़ किए गए स्टीरॉयड की वजह से बहुत सारे ऐसे पॉस्टुलेशंस हैं कि ऐसा संभावनाएँ बताई जा रही हैं कि कोविड की वैक्सीन से भी ये संबंध हो सकता, बट इसका कोई अभी वैज्ञानिक तथ्य प्रूफ में नहीं आया है। इन कारणों से पेशेंट्स को अभी बहुत कॉमनली एवियन का सामना करना पड़ रहा है। हमारी ओपीडी में आजकल एवियन के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। एवियन एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है। यदि अर्ली स्टेज में इसको पकड़ के इसका ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए तो ये सही हो सकता है। एवियन की वजह से हेड कोलैप्स हो जाए या हेड में क्रिसेंट्स आए ना जाए, हेड दब जाए, पिचक जाए, तो फिर ये एवियन ठीक नहीं किया जा सकता। तो अर्ली स्टेज में एवियन में इंजेक्शन के जरिए, जहाँ पर हम स्ट्रोमल वेस्कुलर फ्रैक्शन का इंजेक्शन यदि हेड के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो उस जगह पर नई ब्लड सप्लाई चालू होती है। उधर पर जो डेड बोन है वो न्यू और हेल्दी बोन से रिप्लेस होती है और इसी वजह से 80-90% पेशेंट्स में हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 एवियन का ट्रीटमेंट SVF के जरिए कर सकते हैं। यदि पेशेंट्स को या आपको किसी आपके जानने वाले को किसी को हिप जॉइंट के पास या पॉकेट के पास इंग्वाइनल एरिया में पेन हो रहा है या वो पेन हो रहा है हिप जॉइंट से रेडिएट हो रहा है लोअर थाई पे या नी पे, तो एवियन के सिम्टम हो सकते हैं। पेशेंट्स को यदि ये शिकायत है कि उनको हिप जॉइंट में पेन हो रहा है, थाई में पेन हो रहा है, तो उनको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे MRI कराना चाहिए और इस बीमारी को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं या रूल आउट कर सकते हैं कि भाई उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी दूसरे सोर्स से आ रही, क्योंकि एवियन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है यदि आप अपने हिप जॉइंट को बचाना चाहते हैं।